चौमिन बनाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रोटियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हरीश रावत का ये रोटी बनाते हुए जो वीडियो है ये फिलहाल वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हरीश रावत ने खुद इस वीडियो को शेयर किया है। तो हरीश रावत ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर पर रोटियां बनाई हैं। त्रिपन सिंह नेगी के परिजनों के साथ हरीश रावत रोटियां बनाते हुए नजर आए हैं। तो हमेशा से ही सुर्खियों में बने रहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री, और आजकल उत्तराखंड का जगह जगह का रुख यहाँ पर कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि उन वहाँ की परंपरा और संस्कृति को और वहाँ के जो व्यंजन हैं उनको वहाँ पर दिखलाने की कोशिश उनकी बनी हुई है। और इसी के तहत हम कह सकते हैं कि अब चौमिन बनाने के बाद हरीश रावत का जो वीडियो है रोटी बनाने का वो फिलहाल वायरल हो रहा है, जहाँ खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। तो हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी त्रिपन सिंह नेगी के परिजनों के साथ रोटियां बनाई हैं, हमेशा से ही सुर्खियों में बने रहते हैं। और एक बार फिर से रोटी बनाने का जो उनका फिलहाल वीडियो वायरल हुआ है वो काफी उनको सुर्खियों में बटोरा हुआ है। तो ये वीडियो फिलहाल आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के घर पहुंचे और उनके परिजनों के साथ चूल्हे पर यहाँ पर रोटियां वो बनाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल और काफी सुर्खियां भी फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो बटोर रहा है। और पंकज जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आजकल उत्तराखंड का भ्रमण कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, और तरह तरह के अंदाज जो है वो इस दौरान उनके देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ऋतु जी, और उत्तराखंड में अगर कोई एक अकेला नेता है जो जनता की नब्ज जानता है और चर्चा में कैसे बने रहना है वो हरीश रावत है। और जब ये मुख्यमंत्री थे तो ये कहीं पे भी खड़े होकर या तो पकौड़ियां तलने लगते थे, चाय बनाने लगते थे, और उस समय भी इनकी जो ये तमाम अदाएं हैं वो बड़ी चर्चाओं का विषय रहती थी। इस समय कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो जनता के साथ ऐसे घुल मिलकर काम करता हो, नजर आता हो। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कभी चौमीन बनाते हुए नजर आते हैं, ये अंदाज जनता को पसंद, उत्तराखंड की जनता को पसंद आता है। लेकिन वो वोटों में भले ही कन्वर्ट ना हो, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए हरीश रावत का ये जो अंदाज है वो आए दिन दिखाई देता है। और अब रोटी बनाते हुए का अवतार अगर दिखाई दे रहा है तो कहीं ना, और कभी डांस करते हुए हरीश रावत का वीडियो वायरल होता है, और ये खुद हरीश रावत ने वीडियो वायरल किया है कि भाई मैं त्रिपन सिंह नेगी के घर में उनके परिजनों के साथ रोटी बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनका ये अंदाज है और उनको पता है कि जनता क्या देखना चाहती है जनता। और पंकज जी, यहाँ पर ये बात गौर करने वाली भी होगी कि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से कांग्रेस में खासतौर पर मनमुटाव देखने को मिल रहा है, और उससे इतर अपने आप को यहाँ पर कहीं ना कहीं हरीश रावत ने रखा है कि वो अभी इस बयानबाजी में, इस मनमुटाव में यहाँ पर नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो जनता के साथ है और जनता के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऋतु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में अभी तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस में एकमात्र ऐसा नेता हरीश रावत है जो इन तमाम चीजों को जानता है कि किस तरीके से जनता की नब्ज को दबाए रखना है, और उनको पता है कि सोशल मीडिया का कितना बड़ा उपयोग होता है और उनको पता है कि उसका कितना उपयोग किया जा सकता है। तो वो ऐसी चीजें करते हैं जो आम जनता करती है, वो रोटी बनाते हैं तो उससे एक रिलेट होने वाली बात होती है जनता की, देखिए हम कि अगर मैं रोटी बना रहा हूँ और हरीश रावत रोटी बना रहा है तो जनता रिलेट करती है कि हमारा नेता भी रोटी बनाता हुआ नजर आ रहा है, हमारा नेता पकौड़ियां तलते हुए या चाय बनाते हुए नजर आ रहा है। दूरियां हैं एक नेता की और एक जनता की, वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई देती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।